इसराइल और हमास के बीच बीते कई महीनों से चल रहा युद्ध अब भारत के दरवाजे तक आ पहुंचा है, ये कहना है अमेरिका के पेंटागन का। आइए जानते हैं क्यों। बीते शनिवार को गुजरात के पास एक समुद्री जहाज पर हुए अचानक ड्रोन हमले ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। 23 दिसंबर को गुजरात तट के पास हिंद महासागर में एक व्यापारिक जहाज एमवी कैम्प्लूटो एक संदिग्ध ड्रोन हमले की चपेट में आ गया था। हमले के बाद व्यापारी जहाज में तुरंत आग लग गई। पोरबंदर तट से 217 समुद्री मील दूर हुई इस घटना के दौरान जहाज पर 20 भारतीय सवार थे। फिलहाल इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना और तटरक्षकों ने बिना समय गंवाए राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS विक्रम और भारतीय नौसेना के युद्धपोत संकटग्रस्त जहाज की ओर बढ़ रहे हैं और दुर्घटनाग्रस्त हुए जहाज से संपर्क स्थापित कर लिया गया है। इसी के साथ ड्रोन हमले की जानकारी पाकर भारतीय नौसेना एक्शन में आ गई है। अभी तक हिंद महासागर में हुए ड्रोन हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अमेरिका रक्षा विभाग ने कहा कि ईरान से लॉन्च किए गए एक ड्रोन ने शनिवार तड़के हिंद महासागर में एक रासायनिक टैंकर को टक्कर मार दी। पेंटागन के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया कि लाइबेरिया ध्वजांकित जापानी स्वामित्व वाला और नीदरलैंड संचालित रासायनिक टैंकर वाला मोटर जहाज कैम्प्लूटो आज स्थानीय समयानुसार लगभग 10 बजे हिंद महासागर में भारत के तट से 200 समुद्री मील की दूरी पर ईरान से दागे गए एक तरफा ड्रोन हमले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गौरतलब है कि इसराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब पेंटागन ने ईरान पर सीधे हमले का आरोप लगाया है।